15 छलावा का गुस्सा। अनन्या ने जब कहा कि हम भी तो सुने हम किस तरह से जिम्मेदार हैं इन सबके, तो रूप ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि कर्कशा हवेली से निकलकर इस तरह से गांव में क्यों घूम रही है? क्योंकि तुम लोगों ने सज्जन सिंह की कोई चीज वहां से निकाली होगी। याद करो और बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम लोगों ने सज्जन सिंह की कोई चीज उस हवेली से बाहर नहीं निकाली है? इस बात से अनन्या और तारा दोनों के दिमाग में उस दिन की बात घूम गई और उन्हें याद आया कि वे लोग सज्जन सिंह का रुमाल वहां से लेकर आई थी। अनन्या ने कहा, हाँ हम लेकर आए थे ये जानने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है, लेकिन इसका इन सबसे क्या लेना देना है? रूप ने कहा, वही तो बात है, तुम लोगों को लगता है कि तुम ही लोग सबसे ज्यादा समझदार हो, और खासकर अनन्या और तारा, तुम दोनों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं आज से नहीं बहुत वक्त से तुम लोगों पर नजर बनाए हुए हूँ। तुम लोगों ने सज्जन सिंह के जिस रुमाल को हवेली से बाहर निकाला था उसी को ढूंढती हुई वो गांव में पहुंची है, वरना अब तक वो सिर्फ हवेली में ही थी और खासकर सज्जन सिंह के कमरे में। लेकिन सज्जन सिंह के अंश की वो चीज जब बाहर निकली तो उसकी महक ने उसे गांव के भीतर खींचा, और जैसे वो गांव के भीतर आई उसकी भूख और प्यास दोनों इतनी बढ़ गई कि वो जो अब तक सिर्फ सज्जन सिंह पर ही हमले कर रही थी अब सरेआम गांव के लोगों पर भी हमला करने लगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में और भी लोग दिलीप काका की तरह अपनी आखिरी सांसें गिनते नजर आएंगे और इन सब के जिम्मेदार तुम लोग होंगे, तारा ने कहा। और तुम ये सब कैसे जानती हो? रूप बोली, इन सब से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों की बहस को सुनते सुनते आखिर पहली बार छलावा के होठों से कुछ निकला था। वो ऊंची आवाज में बोला, बंद करो ये सब बकवास, अभी ये सोचो कि दिलीप काका की जान बच भी सकती है या नहीं, और अगर बच सकती है तो उनकी जान कैसे बचाई जाए, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं इस बारे में फैसला करने के चक्कर में किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। तारा घबरा कर बोली, अरे हाँ अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? रूप ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक चाकू लेकर आओ। रूप की बात पर अनन्या ने कहा, क्यों एक ही बार में काम तमाम करने का इरादा है तुम्हारा? रूप ने कहा, जितना कहा है उतना करो। ध्रुव ने अनन्या को इशारों में चाकू लाकर देने के लिए कहा। अनन्या किचन की तरफ चली गई और बड़ी मुश्किल से ढूंढकर एक चाकू लेकर आई और रूप को देती हुई बोली, मैं भी तो देखूं कौन सा चमत्कार करती हो तुम। रूप दिलीप काका के नजदीक गई और उसने अपने अंगूठे में हल्का सा कट लगाया, और जैसे ही खून की बूंदें उभरी उसने दिलीप काका के होठों के ऊपर रख दिया और अपना दूसरा हाथ उनके गर्दन के जख्मों पर रखा जिसे अभी अभी कर्कशा ने दिया था, और अपनी आंखों को बंद कर कुछ बुदबुदाने लगी। लोगों ने देखा कि जिस हाथ में उसने कट लगाया था वहां पर लाल रोशनी चमक रही थी, और धीरे धीरे करके वो दिलीप काका के होठों से निकलती हुई उनके गर्दन तक पहुंची और गर्दन के पास पहुंचकर बिल्कुल गायब हो गई। और फिर रूप ने अपनी आंखें खोली। सबने देखा कि दिलीप काका का शरीर जो खून की कमी से बिल्कुल नीला पड़ गया था वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। हालांकि दिलीप काका की आंखें अभी भी बंद थी लेकिन उनका शरीर बेहतर लग रहा था। कुछ देर बाद दिलीप काका बिल्कुल भले चंगे नजर आ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे थोड़ी देर पहले तक वो अपनी आखिरी सांसें गिरने की कंडीशन में थे। रूप उन लोगों के नजदीक आई और उन सब पर अपनी एक एक नजर डालती हुई बोली, तुम लोगों से बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं, और अब जबकि सब कुछ आमने सामने है मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच पहले की तरह कुछ है, तो मैं तुम लोगों को क्लियर बोलना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, इन सब से अपने आप को दूर रखो। मैं जो करने आई हूँ मुझे करने दो, उसके बाद तुम लोगों को जो करना होगा करना। इतना कहकर रूप उस कमरे से बाहर निकलने लगी। ध्रुव ने कहा, रुको। रूप ने पीछे पलट कर देखा और बोली, मुझे पता था तुम मुझे जरूर रोकोगे, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे क्या क्या जानना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी सवालों के जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही तुम्हारी गुलाम, तो अगर तुम महान शक्तिशाली होगे तो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। इतना कहकर एक बार वो फिर से बाहर की तरफ मुड़ गई, पर ध्रुव बड़ी फुर्ती से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम जिस लड़की का रूप लेकर यहाँ आई हो, सजनी की बहन, वो लड़की कहाँ है? रूप गहरी सांस लेकर ध्रुव की तरफ देखती हुई बोली, बड़ी जिद्दी हो, अच्छी बात है, तुम्हें उस अनजान लड़की की भी फिक्र है, वो लड़की बिल्कुल सही सलामत है और अपने परिवार के साथ है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है, मैं बस उस लड़की का रूप लेकर यहाँ तक आई हूँ, बस इसके अलावा मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। रूप की इस बात पर उन लोगों को ध्यान आया कि जब सजनी की मामी का कॉल आया था तब रूप ने हड़बड़ाकर फोन ले लिया था और उसे बात नहीं करने दी थी, और लोगों को समझ में आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो रूप, हालांकि तुम्हारा नाम रूप तो नहीं है, तुम्हारा नाम जो भी है, हम इतना तो जानते हैं पहले भी तुम्हारी बातों से और आज भी जो कुछ भी हुआ,
अभी अभी कि तुम बुरी तो नहीं हो और ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलत करने के इरादे से आई हो। लेकिन जब तुम कुछ गलत करने के इरादे से नहीं आई हो तो हमसे छुपा क्यों रही हो? क्योंकि हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो और ये कर्कश इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्योंकि जिस तरीके से उसने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है और तुमने भी जिस तरीके से उसके जख्मों को एकदम से गायब किया, तुमने दिलीप काका को बिल्कुल ठीक कर दिया, जो कि असंभव है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रूप ने ध्रुव के सामने अपने हाथों को बांधा और खड़ी होकर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत करने नहीं आई हूँ तो बस इतना करना अभी कि किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, न जुल्मी को न सचनी को। जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। अगर मेरी बात मानकर चुप नहीं रहना है तो यही समझ कर कि मैंने दिलीप काका की जान बचाई इसीलिए चुप रहना। मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा काम आसानी से हो सकता था लेकिन तुम लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो मुझे उसमें वक्त भी लग सकता है। इससे ज्यादा मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर रूप वहां से चली गई और सब उसे हैरानी से जाते देखते रह गए। अनन्या ने कहा, करना क्या चाहती है ये? ध्रुव बोला, ये तो जब तक वो खुद नहीं बताएगी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़की में असाधारण ताकतें हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि ये छलावा पर भी भारी पड़ सकती है। उसी की तरह की कुछ शक्तियां इसकी दिख भी रही हैं और जिस तरीके से दिलीप काका को मिनटों में सही कर दिया ये अपने आप में कमाल था। तभी ध्रुव की नजर छलावा पर पड़ी जो बस एकटक उसकी तरफ ही देख रहा था और अभी भी उस दरवाजे को जहां से रूप निकल कर गई थी। तभी ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया और उसने कहा, मुझे पता है इसके बारे में सब कुछ कैसे मालूम किया जा सकता है। अनन्या बोली, कैसे? ध्रुव ने छलावा की तरफ इशारा किया और बोला, ये काम छलावा कर सकता है, मैंने देखा है। अभी भी उसकी आंखों में छलावा के लिए एक अलग सी फीलिंग है। हो सकता है उसका रूप बनकर आना और बाकी सब कुछ एक झूठ था, लेकिन छलावा के लिए उसकी भावनाएं मुझे झूठ नहीं लग रही। तो इस काम को छलावा आसानी से कर सकता है और छलावा भी तो उसे पसंद करता है ना, तो उसको भी अधिकार है कि वो उसके बारे में सब कुछ जाने। ये सुनकर छलावा गुस्से में बोला, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, नफरत है मुझे उससे और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक साजिश के तहत मुझे फंसाया है, उसने बस यहाँ आकर हम लोगों के बीच रहकर सब कुछ करने के लिए मुझे अपना मोहरा बनाया है। उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो पहले से ही जानता था कि रिश्तों के मामले में मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैंने एक मौका दिया अपनी किस्मत को और देखो एक बार फिर वो मुझे कहाँ लेकर आ गई। अब और नहीं, मुझे रिश्तों से, प्यार से, इन सब चीजों से नफरत है, मुझे उस लड़की से नफरत है। इतना कहकर छलावा बड़े बड़े कदमों से वहां से चला गया। उन लोगों ने देखा कि छलावा लोगों से नजरें बचाकर अपनी आंखों को पोंछते हुए वहां से निकला है। अनन्या दुखी होती हुई बोली, बेचारा छलावा, दिल टूटा है उसका, बहुत तकलीफ में लग रहा है वो। ध्रुव ने कहा, अनन्या तारा, तुम दोनों जाओ और दिलीप काका के बेटा और बहू को बुला कर ले आओ और उन्हें बताओ कि दिलीप काका बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैं और विकी छलावा के पीछे जाते हैं। उसे इस वक्त हमारी जरूरत है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अनन्या और तारा तुरंत जुल्मी के घर के लिए निकल गई और विकी भी ध्रुव के साथ छलावा के पीछे निकला। छलावा तब तक वहां से गायब हो चुका था, वो कहीं उन्हें नजर नहीं आया। ध्रुव ने कहा, छलावा अपने घर गया होगा, हमें भी चलना चाहिए। ध्रुव और विकी छलावा के घर पहुंचे लेकिन छलावा वहां भी नहीं था। विकी हैरानी से बोला, अगर वो यहाँ भी नहीं है तो आखिर वो कहाँ जा सकता है? ध्रुव कुछ सोचता हुआ बोला, अगर वो यहाँ नहीं है फिर तो एक ही जगह बचती है, मंदिर। पक्का छलावा हमें मंदिर में मिलेगा। ध्रुव और विकी जल्दी से मंदिर पहुंचे और जैसा कि ध्रुव को लगा था वाकई में छलावा वहीं बैठा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही छलावा के कंधे पर हाथ रखा, छलावा ने बड़ी फुर्ती से अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, हमारे सामने अपने आंसुओं को छुपाने की जरूरत अगर तुझे पड़ रही है तो फिर हमारा दोस्त होने का कोई फायदा नहीं है। तू हमारे सामने अपनी भावनाओं को दिखा सकता है और आंसुओं को अगर जब्त करके रखेगा ना तो वो घाव बनते हैं, बहने देने। ध्रुव की बात सुनकर छलावा एकदम से ध्रुव के गले लग गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरी क्या गलती है, मेरे किसी का क्या बिगाड़ा है कि जिनसे भी मुझे खुशी मिली अपने जीवन में वो सब एक एक करके मुझसे दूर हुए और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार तो इतना बड़ा धोखा मिला है मुझे जो मैं कम से कम इस जिंदगी में तो नहीं भूल सकता और ना ही मैं उसे माफ कर सकता हूँ। ध्रुव छलावा के सिर को धीरे धीरे सहला रहा था, वो चाहता था कि वो रो ले और उसका दिल हल्का हो जाए। विकी बस चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। वाकई में आज पहली बार ध्रुव और छलावा भाइयों की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए नजर आ रहे थे और ध्रुव बड़े भाई की तरह उसे संभाल रहा था।
कुछ देर बाद जब छलावा का मन शांत हुआ तब ध्रुव ने कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं छलावा, एक पहलू जो हम देखते हैं और एक जो हमें नहीं दिखता। जरूरी नहीं है जो हम देख रहे हैं वही सच है, और इतना तो हम जान गए हैं ना कि वो लड़की गलत नहीं है, बुरी नहीं है, किसी गलत इरादे से नहीं आई है, वो बस यहाँ आना चाहती थी किसी माध्यम से, इसलिए वो इस तरीके से आई है। छलावा ने उठकर खड़े होते हुए कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, अगर तुम लोग उसके बारे में बात करना चाहते हो तो माफ करना, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। इतना कहकर छलावा ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और वहां से चला गया। ध्रुव और विक्की अभी भी वहीं बैठे हुए थे। ध्रुव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, इसके मन को शांत रखने में इसकी मदद कीजिए, कहीं ये कोई गलत फैसला न कर बैठे, अक्सर इंसान इतनी बेचैनी में गलत ही करता है। छलावा उसी तरीके से गुस्से में उबलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ चुका था। वो जल्दी ही घर पहुंच गया। इससे पहले कि वो अपने घर का दरवाजा खोल पाता, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। छलावा ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो सामने रूप खड़ी थी जो एकटक उसको देख रही थी। रूप को देखकर छलावा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। एपिसोड 516, रूप का रहस्य खुला। रूप को अपने सामने देखकर छलावा गुस्से से बौखलाकर बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? थोड़ी देर पहले तुमने जो कुछ भी किया उससे तुम्हारा मन नहीं भरा जो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई हो? मुझे ध्रुव समझने की गलती मत करना, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ, चली जाओ यहाँ से वरना। छलावा अभी धमकी देने की कोशिश कर ही रहा था कि रूप एकदम से आगे आई और उसने छलावा को अपने गले से लगा लिया। छलावा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन वो उसे दूर नहीं कर पाया। रूप ने बहुत कसकर छलावा को पकड़ रखा था। वो छलावा के सीने से लगी हुई ही बोली, जो करना चाहते हो कर सकते हो, गुस्सा होना चाहते हो, हाथ उठाना चाहते हो या अपनी शक्तियों के साथ मुझ पर अटैक करना चाहते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें जितना दुख पहुंचा है उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए ये तुम्हारा मौका है। तुम मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे दो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी है उसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दो। छलावा अभी भी मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। वो गुस्से में उबल रहा था पर रूप फिर भी उसी तरह उसके सीने से चिपकी हुई थी। कुछ देर तक जब रूप उसके सीने से चिपकी खड़ी रही तब छलावा को अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने कहा, दूर हटो मुझसे, लेकिन इस बार उसकी आवाज में बहुत नरमी थी। रूप ने कहा, नहीं, जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुमने मुझे माफ कर दिया है तब तक मैं नहीं हटूंगी। छलावा ने कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और माफी या शिकायत वहां होती है जहां कोई रिश्ता हो, यहां ना शिकायत है और ना ही तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत। रूप बोली, अच्छा, अगर कोई रिश्ता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है तो तुम्हारी ये लाल आंखें जो रो रो कर बता रही हैं कि तुम्हें कितनी शिकायत है, वो बस यूं ही है बिना किसी रिश्ते के? किससे झूठ बोल रहे हो? भूलो मत कि मैं भी तुम्हारी तरह लोगों के दिमाग में घुस सकती हूँ। मजबूर मत करो मुझे कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुसकर ये बात जान लूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या और कौन सी फीलिंग है। अपने मन से कबूल कर लो और मुझे माफ कर दो। छलावा उसी तरीके से गुस्से से बोला, जबरदस्ती है क्या? रूप ने कहा, बिल्कुल, यही समझ लो जबरदस्ती है। अब अगर तुम दिल से माफ नहीं करोगे तो जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा ना। रूप की बातों से छलावा का गुस्सा कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता जा रहा था और एक बार फिर वो उसे वही रूप लग रही थी जिसे वो पसंद करता था। छलावा ने धीरे से रूप को अपने से अलग किया और उसे देखता हुआ बोला, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी मेरी भावनाओं की तो तुम वो सब नहीं करती, और अगर तुम किसी इरादे से यहाँ आई भी थी तो तुम मुझे सच बता सकती थी, बाकी किसी को ना सही, पर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा था तो तुम मुझे बता सकती थी। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे अपना सच बताओगी तो तुम्हारे बारे में जानकर मेरे मन में जो तुम्हारे लिए भावनाएं हैं वो बदल जाएंगी? ये सुनकर रूप ने मुस्कुराते हुए छलावा की आंखों में देखा और बोली, मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं? छलावा हकलाते हुए बोला, वो मैं मेरा मतलब मैं ये कहना चाहता था, तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो मेरी बातों में, मैंने तुमसे जो पूछा है तुम बस वो बताओ। रूप ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों को सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और मेरा मकसद भी जिस तरीके का है उसे मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताती तो ही अच्छा था, इसीलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई थी। छलावा ने कहा, किस तरह से तुम मजबूर थी? और ध्रुव और तारा जो करने जा रहे थे उससे तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम इस तरह से क्यों उनके सामने अचानक आ गई? देखो, मैं इतना तो जानता हूँ कि अचानक तुमने अपने आप को सबके सामने जाहिर किया तो उसके पीछे कोई वजह तो जरूर थी। रूप बोली,
मैं तुम लोगों को बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दोस्त बेमौत मारे जाएं, इसलिए मुझे अब अपना राज खोलना पड़ा। तुम लोग नहीं जानते कि ध्रुव और तारा जो करने जा रहे थे, उससे अगर उन्हें ये लग रहा था कि वो दिलीप काका तक कर्कशा को पहुंचने से रोक देंगे, तो वो गलत सोच रहे थे। हो सकता है एक बार के लिए दिलीप काका तक वो नहीं भी पहुंच पाती, लेकिन उसका गुस्सा वो कितने लोगों पर निकालती, कितने और लोगों की जान को खतरा होता, तुम लोगों को एहसास तक नहीं है। और सिर्फ पाली के बाकी लोगों को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सभी दोस्तों की जान पर बात बनाती। वो किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि कर्कशा में अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। उसकी सिर्फ भूख होती है, जो वो बस शांत करना चाहती है। गुस्सा और भूख, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, छलावा ने कहा। तो जब ध्रुव ने तुमसे पूछा तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तुम उसे सब सच बता सकती थी, और तुम्हारा क्या लेना देना है कर्कशा से? एक मिनट, तुम जिस तरीके से उस पर इतना ध्यान दे रही हो, इससे तो ये पता चलता है कि तुम सिर्फ उसी के पीछे यहाँ तक आई हो। तुम दोनों का कहीं ना कहीं कोई लिंक जुड़ा हुआ है, मैं सही कह रहा हूँ ना? रूप बोली, बिल्कुल कह रहे हो। इससे पहले छलावा कुछ और पूछने लगता, रूप ने कहा, देखो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती इस बारे में, और मैं नहीं चाहती इन सब का हमारे रिश्ते पर कोई असर पड़े। मुझे पता है तुम नाराज हुए हो, लेकिन मैं उसके लिए माफी भी तो मांग रही हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, छलावा ने कहा। तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? रूप बोली, बिल्कुल, वरना क्या मैं इतनी रात को तुम्हारे साथ वन विहार करने आई हूँ? छलावा बोला, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। रूप ने कहा, बोलो, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। छलावा ने कहा, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना होगा मुझे, ध्रुव को, मेरे सभी दोस्तों को, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद, कर्कशा का तुम्हारा क्या संबंध है, और जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो, तुम कौन हो? ये सुनकर एक पल को रूप के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, और इस बात को छलावा बखूबी महसूस कर सकता था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकती हो। रूप बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम लोगों को सारी बातें बताऊंगी। छलावा ने कहा, तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर छलावा ने रूप का हाथ पकड़ा और उसे लेकर विकी के घर की तरफ बढ़ गया। ध्रुव और विकी अनन्या और तारा के साथ बैठे हुए अभी भी छलावा के बारे में ही बात कर रहे थे। उन लोगों को छलावा के लिए बहुत ही दुख हो रहा था, तभी उन्होंने देखा कि छलावा सामने से रूप का हाथ पकड़े हुए चला रहा है। विकी ने कहा, ये इसके साथ क्या कर रहा है यहाँ पर? ध्रुव तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी घर के बाहर निकल कर छलावा के नजदीक पहुंचा और हैरानी से बोला, तुम उसके साथ यहाँ? छलावा ने कहा, घर के भीतर चलो, कुछ बात करनी है। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों घर के भीतर आ गए। सब हैरानी से रूप की तरफ देख रहे थे और छलावा को भी। छलावा बोला, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं इसके साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ये हमें सब कुछ बताने को तैयार है। विकी ने हैरानी से पूछा, तब तो बड़े गुस्से में टशन में गई थी, अभी सब बताने को तैयार हो गई, कमाल है, मुझे पूरा यकीन है कि ये फिर से कोई झूठ बोलेगी। ध्रुव ने रूप की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, नहीं विकी, मुझे नहीं लगता कि अब ये झूठ बोलेगी। रूप बोली, मैंने पहले भी तुम लोगों से कभी कोई झूठ नहीं कहा है, मैं अपनी पहचान छुपाकर पाली में रहने आई, मैं अपने किसी मकसद से आई थी, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली तुम लोगों से मिलने आई थी या डायरेक्ट तुम लोगों से मेरा कोई कनेक्शन था और मैंने तुम लोगों से झूठ कहा। तो ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम लोगों से कोई झूठ कहा है, और मैं जिनके साथ रह रही हूँ, हाँ उनको मैंने ज़रूर झूठ बोला है, लेकिन कभी भी तुम सजनी या जुल्मी किसी से भी पूछ सकते हो कि उनका कोई नुकसान हुआ है, बल्कि मैं सजनी की बहन बनकर ही रह रही हूँ। अनन्या इरिटेट होती हुई बोली, देखो हमें तुम्हारी अच्छाइयों की लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, और ना तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट है, तुम छलावा के साथ आई हो, छलावा को लगता है कि तुम सच बताना चाहती हो, और ध्रुव को भी तुम पर यकीन है, तो हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है। रूप ने अनन्या को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम अपने लोगों से अलग क्यों हुई थी? इसलिए नहीं कि तुम अच्छी थी, भली थी, तुम ये सब कुछ नहीं चाहती थी, काले समाज के लिए काम नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी आदत है ना साथ छोड़ना। उसकी बात सुनकर अनन्या तिलमिला उठी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, तारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत रहने का इशारा किया, और अनन्या खामोश हो गई। ध्रुव ने रूप से कहा, तुम्हारी बातों से इतना तो पक्का यकीन है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, तुम हमारे बारे में भी कुछ जानती हो, ऐसा मुझे लग रहा है। रूप हंसती हुई बोली, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, अभी अभी पता चला है जब हवेली जाना हुआ है, उसके बारे में जाना तब पता चला कि माई के बीच का भी कोई कनेक्शन है। एनीवे, अभी मैं किसी और के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, छलावा चाहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूं और सारी सच्चाई बताऊं अपने बारे में, तो अभी मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहूंगी, तुम्हें जो कुछ भी जानना है मुझसे पूछ सकते हो,
क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि इस तरह पर्दे के पीछे रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे सामने आकर ही कुछ करना होगा। ध्रुव ने पूछा, कौन हो तुम? रूप ने सपाट लहजे में कहा, जादूगर। उसकी बात पर विक्की गुनगुनाते हुए बोला, जादूगर तो है, तभी तो छलावा पर ऐसा जादू किया कि वो बह गया इसकी भावनाओं में। रूप ने विक्की की ये बात सुन ली थी और उसने कहा, तुम जिस तरह की जादूगरी की बात कर रहे हो वैसी नहीं, मैं वास्तव में एक जादूगर हूँ। ये सुनकर वहां किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आई। तारा ने कहा, जादूगर जादूगर के पास कब से इतनी शक्ति आने लगी भाई कि वो रूप बदल सके और जो कुछ भी तुम कर सकती हो वो सब कुछ कर सके? जादूगर तो बस छोटे मोटे कारनामे दिखा सकते हैं जिन्हें हम आंखों का धोखा कहते हैं। रूप मुस्कुरा कर बोली, तुम उन जादूगरों की बात कर रही हो जो तुम्हारी धरती पर हैं, जिन्हें तुम बचपन से अब तक देखती आ रही हो। मैं जो हूँ और मैं जिन जादूगरी की बात कर रही हूँ उनका एक अपना अलग संसार है, वो दुनिया अलग है। जिस तरह से अनन्या बंजारन और बाकी सब एक अलग ही दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उसी तरह मेरी भी अपनी एक अलग दुनिया है। ये सुनकर छलावा हैरानी से बोला, मतलब तुम यहाँ की हो ही नहीं? रूप ने कहा, हाँ भी और नहीं भी। विक्की ने पूछा, मतलब क्या है हाँ भी और नहीं भी का? रूप बोली, मैं कौतुक साम्राज्य के राजा कौस्तुभ की बेटी हूँ। कौतुक साम्राज्य इंसानी परिवेश से दूर समुद्र के बीचों बीच बना एक ऐसा साम्राज्य है जिसके बारे में आज के समय में कोई नहीं जानता, लेकिन हम संसार के बारे में सारी बातों की खबर रखते हैं। पहले हम भी सामान्य इंसानी बस्तियों का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे बुराइयां बढ़ी, इंसानों में अलग अलग तरीके की लालच सत्ता की भूख बढ़ी, लोग जबरदस्ती हमारा इस्तेमाल करके लोगों का बुरा करने लगे। तब जादूगरों ने अपनी एक अलग बस्ती बना ली, इंसानों की नजरों से दूर जो सामने होकर भी किसी को दिखता नहीं है। एक इंद्रजाल बना हुआ है हमारे साम्राज्य के चारों तरफ, हम कभी भी इस तरफ कदम नहीं रखते। ध्रुव ने पूछा, तो अब क्यों आए हो तुम यहाँ, अगर तुम लोगों का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है तो? और सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? वो मुस्कुरा कर बोली, तुम लोग जब मुझे रूप के नाम से जानते हो तो वही जाने रहो, क्या करोगे मेरा असली नाम जानकर। वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम लीला है, लेकिन तुम लोग मुझे रूप के नाम से ही बुला सकते हो। छलावा ने पूछा, अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? रूप बोली, मैं कर्कशा का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ, उनको खत्म करना ही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है।